हमजा, हमजा, क्या हुआ? क्या कहा उन लोगों ने? झूठे लोग झूठ के अलावा क्या भी कह सकते हैं। बहरहाल जो तमाचा उन्होंने मेरे मुंह पर मारा था, वही तमाचा मैं उनके मुंह पर मार कर आया हूं। मैंने सना को तलाक दे दी। अब पता चलेगा। जब घर और दिल उजाड़े जाएं तो कैसा फील होता है? जो मेरी मां से बदतमीजी नहीं कर सकते हो तो। बदतमीजी नहीं कर रहा मैं, आईना दिखा रहा हूं उन्हें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें चले जाना चाहिए यहां से। चलो अभी के अभी वापस। वाह की जड़ तो ये है। मैं इंसान घुलो दबा के इसको मार दूंगा पहले। कौन लगे इसको? पागल हो रही क्या? बहन को मार डालेगा। अरे बहन नहीं है, बदनामी है ये। मेरे दुश्मन के साथ मिलकर इसने हम सबको बदनाम किया। इसको लेके जाओ यहां से। मैं हमजा, अपने पूरे होश और हवास में सना रशीद को तलाक दे देता हूं। नहीं, हमजा, हमजा नहीं, हमजा नहीं, तलाक देता हूं। अरे ये तो अब नवाब पूरे खानदान में शोर मचा देगी इस बात का। कुछ नहीं करेगी वो। आप डरना छोड़ दें उनसे। तुम मुझे पागल कह रहे हो? तुम्हें मैं इतना कुछ तुम्हारे लिए छोड़ कर आई हूं और तुम मुझे पागल कह रहे हो? तुमने मुझे पागल समझा हुआ है, बल्कि तुमने मुझे पागल बनाया हुआ है। कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, कोई मुझसे बात नहीं करता है। मैं तुम्हें बताती हूँ पागल क्या होते हैं। तुमने पागल कैसे बोला? रुको, बताती हूँ मैं तुम्हें क्या कहा तुमने मुझे। बोलो पागल, तुम पागल हो। वैसे इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। बाबा प्लीज, जो होना था वो हो गया। मुझे 1% भी किसी किस्म की कोई एंबैरसमेंट नहीं। तुमने महज एक बदला लेने के लिए एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी।
निकलो। नहीं जाऊंगी मैं, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। कह रहा हूं कि निकलो। छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगी मैं, ये मेरा घर है। तुम्हारा घर नहीं है, निकलो। नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। निकलो यहां से, निकलो। नहीं जाऊंगी। हमजा, क्या हो रहा है ये सब कुछ? अरे पूछे से बहुत मारा इसने मुझे। ये साइको है, पागल है ये। क्या वाज मारे? ये लड़की पागल है। इसे निकालो घर से इसी वक्त। और तुम्हें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता बेटा? तो क्या करता मामा, आप बताइए। उस लड़की और उसके खानदान ने दो जिंदगियों को तबाह किया। ना सिर्फ तबाह किया बल्कि उस बेकसूर लड़की पर इल्जाम लगाकर उसे बदनाम भी किया। बस कोई और चारा नहीं था सच चुगलवाने का। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस तकलीफ से मेरी रानी और मुझे गुजरना पड़ा ना, अब उनका खानदान भी गुजरेगा। एक और बात, मेरी जिंदगी पर बात करने वालों से इतना बदला तो बनता है।